जानते हैं लोकसभा चुनाव के अभी तक की प्रमुख खबरें। 1 मई 2019 पीएम को मिली क्लीन चिट पर कांग्रेस की आपत्ति। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र के वर्धा में 1 अप्रैल को दिए भाषण के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत पर जांच के बाद क्लीन चिट दे दी है। इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। विपक्षी पार्टी का कहना है कि देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते। आचार संहिता उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग ने गौतम गंभीर को भेजा नोटिस। बीजेपी के पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी गौतम गंभीर को निर्वाचन अधिकारियों ने कथित तौर पर एक राष्ट्रीय अखबार में उनकी तस्वीर वाला विज्ञापन छापने पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के सिलसिले में नोटिस जारी किया है। बासगांव में कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज। उत्तर प्रदेश की बासगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुश सौरभ का नामांकन खारिज हो गया है। बताया जा रहा है कि सरकारी मकान के कई विस्तृत खर्चों के एफिडेविट के साथ कांग्रेस उम्मीदवार कुश सौरभ ने हलफनामे के साथ नोटिस दाखिल नहीं किया था। बच्चों ने प्रियंका गांधी के सामने लगाए चौकीदार चोर है के नारे। प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के दौरे पर थी और इसी दौरान यह वीडियो सामने आया है। बच्चे प्रियंका गांधी जिंदाबाद और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है के नारे लगाने लगे। चुनाव आयोग ने लगाई गुजरात भाजपा अध्यक्ष पर 72 घंटे की पाबंदी। गुजरात भाजपा के अध्यक्ष जीतूभाई वघानी के खिलाफ चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर जीतू वघानी पर अगले 72 घंटों तक के लिए चुनाव प्रचार करने पर पाबंदी लगाई है। प्रियंका के सामने बच्चों ने लगाए मोदी विरोधी नारे। स्मृति बोली यह काफी अशिष्ट है। प्रियंका गांधी के सामने बच्चों द्वारा पीएम के खिलाफ नारे लगाए जाने पर स्मृति ईरानी ने कहा यह अत्यंत अशिष्ट है। आप सोच सकते हैं कि जिनकी प्रसिद्धि केवल वंशवाद है उनसे प्रधानमंत्री को अत्यंत भद्दे शब्द सुनने पड़ते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर सख्त हुआ चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हो रही हिंसा पर सख्ती बरतते हुए 5वें चरण में मतदान के दौरान राज्य के सभी पोलिंग स्टेशनों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 578 कंपनियां भेजी जाएगी। इज्जत हासिल करने के लिए राहुल कर रहे हैं गांधी सरनेम का इस्तेमाल। उमा भारती। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने गांधी सरनेम पर गांधी परिवार का घेरा। उन्होंने कहा है कि राहुल और प्रियंका जिस गांधी सरनेम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ नहीं है। ये लोग फिरोज गांधी के सरनेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेताजी को महंगी पड़ गई गधे की सवारी। बिहार के जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मणिभूषण शर्मा नामांकन दाखिल करने के लिए गधे पर सवार होकर समाहरणालय पहुंचे थे। इस पर जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। दिग्विजय के लिए मिर्ची यज्ञ करेंगे ये संत। कहा वो नहीं जीते तो ले लूंगा जिंदा समाधि। पंचायती श्री निरंजन जी अखाड़ा महामंडलेश्वर श्री वैराग्य नंद गिरी महाराज वैराग्य नंद ने कहा कि यदि इस चुनाव में दिग्विजय सिंह जीत दर्ज नहीं करते हैं तो वह उसी जगह जिंदा समाधि ले लेंगे जिस स्थान पर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सांसद और जनसेना पार्टी के उम्मीदवार SPY रेड्डी का निधन। आंध्र प्रदेश की नांदियाल लोकसभा सीट से सांसद और जनसेना पार्टी के उम्मीदवार SPY रेड्डी उम्र 68 साल का मंगलवार की रात अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। तो MNS न्यूज की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।